दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलब ही है। और हाँ, वो भी है जो तुम सोच रहे हो। उड़ता पंजाब। बसंती नाम था उसका, पता नहीं किस कुत्ते के साथ चली गई। और भाई सब कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की दया है। अबे दया तो जेठालाल की है। मेरा कहने का मतलब है ऊपर वाले की कृपा है। अबे कृपा तो वो उसकी भूरे की सेटिंग है। अरे आ भाई मेरी भावनाओं को तो समझ। भावना को भी नहीं छोड़ा तूने, दोस्ती में दगा कर दी। अबे भावना मेरी सेटिंग है। छत्तीस के 36 गुण मिलते थे मेरे और मेरे सही आके, लेकिन मेरे घर वालों ने हमारा घर बसने नहीं दिया। बोल रहे कि जैसे नालायक हमारी बेटी है वैसा नालायक दामाद नहीं चाहिए। कुछ तो था इसके होठों में जो ये शर्माती थी, आज हंसी तो पता चला साली तंबाकू खाती थी। भसूड़न गूगल गूगल, अबे बेरा हो गया क्या गूगल? मोबाइल डेटा ऑन कर साले। दिल को हजार बार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो नहीं है आपका उसे जाने दीजिए। हम कहाँ किसी के लिए खास हैं, ये तो बस हमारे दिल का अंधविश्वास है। मैं आपसे पटू या ना पटू ये तो किस्मत की बात है, पर तुम ट्राई भी ना करो ये तो गलत बात है। कुछ सपने थे जो तुमने तोड़ दिए, बाकी के जो बचे थे वो हमने देखने ही छोड़ दिए। हमें नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। तब ससुर जी क्या सोचे हैं? इतना आसानी से हम अपना बेटी का हाथ आपका हाथ में दे देंगे का? पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा पूछिए। तो बताइए कि अकल बड़ी या भैंस? आप हमको पागल समझे है का? आप डेट ऑफ बर्थ तो बताइबे नहीं किए। हम गांव वाले तुम शहर वाले, चलो फिर से एक मुलाकात देख लेते हैं। कि हम गांव वाले तुम शहर वाले, चलो फिर से एक मुलाकात देख लेते हैं। तुम औकात देखकर बात करते हो, हम बात करके औकात देख लेते हैं। ऊपर वाला सलामत रखे उन आंखों को जिनमें हम कांटों की तरह चूपते हैं। पता है मुझे तुमसे शादी करके ना बहुत बड़ा फायदा हुआ है। वो कैसे बेबी? सारे जन्मों की सजा इसी जन्म में मिल गई। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना ही वाह चाहिए। कहाँ हो, कैसे हो, सिर्फ दो लफ्जों की परवाह चाहिए। भाई साहब कोयला होता है काला, चिकनी होती है मट्टी। कोयला होता है काला, चिकनी होती है मट्टी। जो बहन भाई लाइक ना करे वो खाए टट्टी। कर दियो फटाफट, करो करो, ठोको भाई ठोको। हेलो। हाँ बोलो। यार तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है? जो दानवीर हो, दान करें। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। कहाँ जा रही हो? अपनी किडनी दान करने। यू कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे दिल में रहते हैं। मैं बोला हाँ, तो बोली अगर मैं दिल में आना चाहूँ तो उन्हें कहाँ रखोगे? मैं बोला उनकी माँ का भोसड़ा, तू आ जा। सब कुछ है। तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? मुझे ना इमोशनल लड़के पसंद है। वो तालाब दिख रहा है? हाँ। वो मेरे ही आंसू से भरा है। इमोशनल लड़के पसंद है, बकचोदी करने वाले नहीं। जानता है भाई? काची भाई, हमको अंग्रेजी बहुत पसंद है। अरे अंग्रेजी तो हमको ही बहुत अच्छा लगता है यार। मानते हैं थोड़ा महंगा है, लेकिन जब चढ़ता है ना यार तो मजा आ जाता है। ओए सुन ना, ये फोटो मुझे इंस्टा पे पोस्ट करना है, कोई अच्छा सा कैप्शन बता ना। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। पोस्ट। हम अपनी औकात जानते हैं, अगर तू कहे तो तेरी याद दिला दूँ।
और जो ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया, मतलब के लिए रिश्ते नहीं निभाए हमने। कि जो ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया, मतलब के लिए रिश्ते नहीं निभाए हमने। और जो है अपनी मेहनत पर है, तेरी तरह लोगों के पैर नहीं दबाए हमने। कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। ये तो वक्त वक्त की बात है जनाब, कुछ मजबूरियों ने रोक रखा हमें, वरना जिस दिन उड़ेंगे ये आसमान छोटा पड़ जाएगा। एयरटेल का मालिक उस वक्त भड़क गया जब उसने अपनी माँ के पैर छुए और उसकी माँ ने बोली जियो मेरे लाल। एक तो बात बोले भाई। बोल ना भाई। कभी भी अगर तुको अपना खूबसूरती पे घमंड होने लगे ना, हाँ, तो अपना आधार कार्ड वाला फोटो देख लेना। हमारी मम्मी हमें एक घंटे ताने मारने के बाद कहती है इनको तो बोलना ही बेकार है, इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। अरे हमारे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, एक ही बार में खत्म, टाटा बाय बाय। अगर वो याद नहीं करते तो आप याद कर लो, रिश्ता निभाते वक्त मुकाबला नहीं करते। समय वही अच्छा है जब मुश्किलों से लड़ते तुम इकलौते रह जाओगे। अजीज समय वही अच्छा है जब मुश्किलों से लड़ते तुम इकलौते रह जाओगे। तुम्हें जीना चाहिए अपनी खातिर, लोगों के लिए जियोगे तो रोते रह जाओगे। कहती नाम बनाने के लिए पैसा और पहचान भी चाहिए, मैंने कहा अकेला काफी हूँ मेरी जान, किसी का एहसान नहीं चाहिए। यार देखो कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। और कौन सा पसंद नहीं है? काला। अच्छा। अपनी गद्दारी बरकरार रखो, हमारी खुददारी तुम पर एक एहसान कर जाएगी, और वह काम तुम्हारे हथियार नहीं कर पाएंगे जो काम हमारी जुबान कर जाएगी। अरे मैडम वो छोड़ो ये वाला जींस देखो, ये इसका भाव मैं 150 रुपए लगा दूंगा, और आप ये लोगे तो ये 300 रुपए। पढ़ाया क्या तुम लोगों ने मुझे? बाबर ने क्या किया, बाबर ने ये किया, बाबर वहां पे मरा। ए साले, जब मैं पुलिस में भर्ती होने गया मेरे को उन्होंने पूछा ही नहीं बाबर के बारे में। मेरे को कहते छाती फुलाओ, मैंने कहा एक मिनट फुला देते, पहले बाबर के बारे में तो पूछो। मैं तेरे प्यार में लुट गई, बदनाम हो गई, बर्बाद हो गई। तो मैं कौन सा कलेक्टर बन गया हूँ? मैं भी तो ऑटो ही चला रहा हूँ। तुम दोनों अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो ना, चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ, उसका आंसर देना, ठीक है? राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? इसमें कवि कहना चाह रहा है कि उनका चलान कट गया। बिना मास्क के घूम रहे थे कल, मैंने देखा था इनको, कटे गए चलान कवि को। हाँ कवि को। इसका जैसा ही कवि है इसका। सुन वो क्या है? वो चांद है, चांद। अबे साले जल्दी कर चल, वो मजाक में चांद तक आ गए। अरे भाई क्या हो गया, क्यों परेशान है? यार भाई हाथ पैर तोड़वा के स्कूटी चलाना सिखाया था उसको। हाँ क्या बात है भाई। फिर भाई किसी और को पीछे बिठा के भग गई। 33 नंबर से पास हो गया, चल ठीक है पास तो हुआ। अबे ओ नलायक तेरे कितने कम नंबर आए, शर्मा जी के लड़के को देख, उसने टॉप कराए टॉप। पापा आपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए, अब सोचो मैं आपकी तुलना अंबानी से करूं तो। बेटी से कहते हो घर की इज्जत खराब मत करना, अपनी बेटी से कहते हो घर की इज्जत खराब मत करना, बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत। यार कल रात को ना सपने में मेरे पैर पे कांटा चुभ गया। पहले क्यों नहीं बताया? देखो इन्हें। गाइस एक होते हैं हरामी लोग, फिर आते हैं उनसे भी ज्यादा हरामी लोग, और फिर आता हूँ मैं। अच्छा तू ऐसा क्या करता? भाई मैंने छोटे छोटे बच्चों को गालियां देना सिखाता हूँ। क्या बात है भाई, रोज नए नए जूते पहन के आ रहा है, जूतों की नई दुकान खोल ली क्या? अबे नहीं यार भाई, मेरे घर के सामने ना नया मंदिर बना है। अबे साले मतलब कल तूने मंदिर से मेरे जूते चुराए थे? फाइनली तुमने अब गाड़ी सीख ली है। एक आखिरी सवाल तुम्हारे लिए, अगर गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा पति और तुम्हारा बाप दोनों आ जाए तो पहले किसको मारोगी? ऑब्वियसली पति को। अबे कितनी बार समझाया, ब्रेक मारेगी।
तुम्हें अभी तक कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया है? 24। तुमने अभी तक हाँ क्यों नहीं बोला किसी को? क्या बताऊं यार, आज तक तुम जैसी कोई मिली नहीं। ओह सो स्वीट, आई लव यू। 25। सारा सारा शैतानिया मेरी।